नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, ICR, BHU, AFO, एग्रीकल्चर TGT, PGT, IBPS, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार का NATP कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1980 में, 1982, 1998 या 2006? तो भारत सरकार का जो NATP कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। दोस्तों सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको PGSY के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1999 में, 2000 में, 2002 में, 2004 में? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS कब शुरू हुआ था? 1999 में, 2000 में, 2002 या 2004? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, मृदा शब्द की उत्पत्ति सॉयल, सोलम से हुई, यह है ग्रीक भाषा है, अरबी भाषा है, लैटिन भाषा है या जर्मन भाषा का शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, मृदा का पौधों की वृद्धि के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है, या पोमोलॉजी, या एडेफोलॉजी, या इस्टोलॉजी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन, एडेफोलॉजी कहलाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6, 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? यहाँ उत्पादन की बात कर रहा है, ना कि उत्पादकता की। ध्यान देंगे, अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972, 1980, 1986, 1998? तो वन संरक्षण अधिनियम जो बना था, वो बना था 1980 में, तो यहाँ बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, एग्रीकल्चर के हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अधिनियम से आते ही आते हैं, तो सभी अधिनियम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अम्लीय मृदा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? O2, CO2 या SO2, NO2 या SO4, NH4, CO या CFC? तो अम्लीय वर्षा, जिसको एसिड रेन कहते हैं, इसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, SO2 और NO2। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक पीड़कनाशी, जिसको पेस्टिसाइड कहा जाता है, कौन सी फसल में प्रयोग करते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, धान, सब्जियों में, कपास में या गेहूं में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, धान के खेत में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पर, 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने कौन से कीटनाशी पर प्रतिबंध लगाया? मोनोक्रोटोपास, क्लोरोपारिफास, BHC या एंडोसल्फान? तो भारत सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी एंडोसल्फान पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 11, दलहनी फसलों में कौन से एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है? ठीक है, तो दलहन वाली जो फसल होती है, उसके अंदर किस एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है? लाइसिन है, या ल्यूसिन है, ट्रिप्टोफेन है, या मेथियोनिन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन, मेथियोनिन की कमी पाई जाती है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यतः धान्य फसलों में कौन से एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है? यहाँ कमी पूछा है, लाइसिन की, मैथियोनिन की, ल्यूसिन की या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि लाइसिन की कमी पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान जिसको एक्रीडा के नाम से जानते हैं कहाँ स्थित है? जोधपुर में, दिल्ली में, बेंगलोर, हैदराबाद। तो एक्रीडा बताना है कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान IIHR कहाँ स्थित है? काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है। वाराणसी, हैदराबाद, बेंगलोर, नई दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, IIHR कहाँ है? बेंगलोर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है या पारिस्थितिकी कहलाता है, बायोम कहलाता है या उपरोक्त सभी कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पारिस्थितिकी कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, सौंफ का प्रमुख रोग कौन सा है? तो सौंफ का प्रमुख रोग यहाँ पर पूछा है, विल्ट है या रेमुलेरिया ब्लाइट है, स्मट है, डाउनी मिल्ड्यू है। तो सौंफ का जो प्रमुख रोग हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, रेमुलेरिया ब्लाइट। बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर है। रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण करते हैं डाइमेथोएट से, एसीफेट से या एमिडा क्लोरोपिड से या उपरोक्त सभी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रस चूसने वाले जितने भी कीट होते हैं उनका नियंत्रण इन सभी से किया जाता है। एसीफेट से भी कर सकते हैं, डाइमेथोएट से भी कर सकते हैं या एमिडा क्लोरोपिड से भी कर सकते हैं। इन तीनों का छिड़काव करके हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, सौंफ की बीज दर रखते हैं, बताना है सौंफ की बीज दर कितनी रखते हैं? 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, मेथी में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति बीज उपचार हेतु प्रयोग में ली जाती है? तो मेथी के लिए पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके लिए राइजोबियम मेलिलोटिक प्रयोग में लेते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्राईफ्लाई का प्रयोग लेंगे नहीं इसमें, लेगुमिनेसी का भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मेलिलोटिक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, मेथी है पर परागित फसल है, स्वपरागित फसल है, बहुधा पर परागित है या उपरोक्त सभी। तो मेथी जो है एक प्रकार की स्वपरागित फसल है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21, 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मेथी की उन्नत किस्म कौन सी है? हिसार सोनाली, RMT 143, राजेंद्र क्रांति या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मेथी की उन्नत किस्म जो है राजेंद्र क्रांति भी है, RMT 143 भी है और हिसार सोनाली, तीनों जो हैं ये मेथी की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, धनिया का सीड रेट बताना है 5 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो धनिया का दोस्तों सीड रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीरे का सीड रेट बताना है, बीज दर बताना है 8 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर जीरे का जो सीड रेट होता है वो 12 से लेकर 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। धनिया का होता है 15 से 20 और यहाँ जीरा का हो जाएगा 12 से 15। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, जीरे का कुल है आपको बताना है, जीरे की फैमिली कौन सी होती है? लेगुमिनेसी, पेपेलियोनेसी, फेबेसी या एपिनेसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, एपीएसी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एपीएसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, क्यूमिनॉल तत्व पाया जाता है
धनिया के अंदर, मेथी में, जीरे में या किसी में नहीं। तो क्यूमिनोल जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाएगा यहाँ पर जीरे के अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27, 26 एक बार देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लीनालूल तत्व पाया जाता है धनिया में, मेथी में, जीरे में या किसी में नहीं। तो लीनालूल जो होता है तत्व, ये पाया जाएगा आपके धनिया के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान CRRI कहाँ स्थित है, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, कटक उड़ीसा या नई दिल्ली। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो रिसर्च सेंटर केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, ये कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पंचायती राज की शुरुआत देश में कहाँ हुई थी, पांडुचेरी 1559, हैदराबाद 1957, राजस्थान 1959 या तमिलनाडु 1957। तो पंचायती राज की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान के अंदर हुई थी, सन भी आपको याद रखना है 1959। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, त्रिस्तरीय पंचायती राज किसकी सिफारिश से शुरू हुई थी, अशोक मेहता, SL मेहता, बलवंत मेहता या मीठालाल मेहता। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत हुई थी इन्हीं के द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, सन बताना है 2004, 2006, 1998 या 1990 में। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम की, ये हुई थी 2006 के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, आसान क्वेश्चन है। ओलेरिकल्चर से अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ओलेरिकल्चर में किस किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, सब्जियों का, फूलों का या फलों का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है, जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है या इकोलॉजी कहलाता है या मेट्रोलॉजी कहलाता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है, इकोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सेलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना हुई थी, कलकत्ता 2001 में, नई दिल्ली 1929 में, हैदराबाद 1901 में, नई दिल्ली 1905 में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों नई दिल्ली 1905 में हुई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको काजरी के नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित है, भोपाल में, हैदराबाद में, बीकानेर में या जोधपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जोधपुर के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPHET इसका पूरा नाम होता है कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, सूरत गंगानगर में, लुधियाना पंजाब के अंदर, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लुधियाना पंजाब के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSWRI कहाँ स्थित है, बीकानेर में, अबीका नगर टोंक, जोधपुर, मथुरा UP। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अबीका नगर टोंक के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IRRI कहाँ स्थित है, मैक्सिको में, मनीला फिलीपींस में या एपिलो सीरिया में, हैदराबाद भारत में। तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38,
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, कलकत्ता में, बेंगलोर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, चेन्नई के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। डायरेक्टरेट ऑफ रैपसिड एंड मास्टर रिसर्च स्थित कहाँ है? ठीक है, जिसको DRMR के नाम से जानते हैं, सरसों रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। डायरेक्टरेट ऑफ रैपसिड एंड मास्टर रिसर्च बताना है। नवगांव अलवर, सेवर भरतपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली। तो ये सेवर के अंदर है, भरतपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है ठंडा बादल निर्माण हेतु कौन सा तत्व काम में लेते हैं? यहाँ तत्व की बात कर रहा है, कौन सा तत्व काम में लेते हैं? NaCl का, AgCl का, MgO का या MgSO4 का? तो ठंडा बादल निर्माण में कौन सा तत्व काम में लेते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा AgI का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? CO2, CFC, मीथेन या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस होगी वो हो जाएगी सभी सभी, यहाँ डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन है, CFC है, CO2, तीनों तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 42। मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र बताना है कौन सा है? पैरोमीटर, पोटोमीटर, लाइसीमीटर या टेंसियोमीटर? तो मृदा नमी जो ज्ञात करते हैं उसके लिए जो यंत्र प्रयोग में लेते हैं उस यंत्र का नाम होता है टेंसियोमीटर। डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। कपास में लटों की प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? गोसिपियम हिरसुटम, बीटी कपास, गोसिपियम अर्बोरियम या संकर कपास? तो कपास के अंदर जो लटें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं उसके प्रतिरोधी कौन सी किस्म हो जाएगी? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोग जानते हैं, बीटी कॉटन बेसिलस थोरिजेंसिस का नाम होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44। 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है हाइब्रिड सरसों की प्रथम किस्म कौन सी है? NRC HB1, NRC HB 101, NRC HB 506 या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NRC HB 506, ये हाइब्रिड सरसों की प्रथम किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 दोस्तों। किसानों के पास कौन सी बीज बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसानों के पास ऐसा कौन सा बीज है जो एकदम बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो पाता या वहाँ तक पहुँच नहीं पाता? आधार बीज, प्रमाणित बीज, नाभिकीय और केंद्रक बीज या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय सीड। ठीक है, केंद्रक बीज इसको कहते हैं, न्यूक्लियर सीड के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। सफ़ेद टैग कौन से बीज पर लगा होता है? मूल केंद्रक पर, आधार बीज पर, पंजीकृत बीज पर या प्रमाणित बीज पर? तो सफ़ेद जो टैग लगा रहता है वो आधार बीज पर लगा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से प्रकार का बीज भारत में पैदा और प्रचलन नहीं है? तो कौन सा बीज ऐसा है जो भारत में पैदा ही नहीं होता है और उसका प्रचलन भी नहीं है? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुके हैं। एक है फर्स्ट ऑप्शन प्रमाणित बीज, दूसरा आधार बीज, तीसरा पंजीकृत बीज, चौथा है मूल केंद्रक बीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, पंजीकृत बीज। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 48। मूंगफली व सोयाबीन की न्यूनतम पृथक्करण दूरी रखते हैं? मूंगफली और सोयाबीन के दोनों पूछा है, तो इनकी न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? 50 मीटर, 3 मीटर, 20 मीटर या 400 मीटर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। निम्न में से सहायक फसलों का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, सहायक फसलों का उदाहरण बताना है। रिचका और बरसीम में सरसों की फसल लगाना, धान की फसल में पटसन या जूट लगाना, मुख्य फसल उगाना संभव नहीं हो तो छोटी अवधि वाली फसलों को उगाना या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी रिचका और बरसीम में सरसों की फसल लगाना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को सहायक फसल कहा जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। कपास का उत्पत्ति स्थान बताना है,
चीन, भारत, ब्राजील या मेक्सिको? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भारत ही कपास का उत्पत्ति स्थान माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कुसुम, जिसको सनफ्लावर के नाम से जाना जाता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बताना है कितने प्रतिशत होती है? 36%, 20 से 22, 40 से 45 या 10? तो कुसुम के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो होती है 40 से लेके 45%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। मक्का में प्रोटीन प्रतिशत पाया जाता है 4, 10, 21 या 40? तो मक्का के अंदर बताना है प्रोटीन परसेंटेज, तो इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 10% पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 53। दुर्गा मणि किस्म किसकी है? तारामीरा की, सरसों की, तिल की, उड़द की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गा मणि पूछा है तो ये हो जाएगा सरसों की, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54। दाहोद येलो किस्म किसकी है? मटर की है, सोयाबीन की है, काबुली चना की या देसी चने की है? इम्पोर्टेंट वेराइटी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये देसी चने की किस्म है, दाहोद येलो। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। राजस्थान में सिंचाई हेतु सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? चंबल, IGNP, गंग नहर या गुड़गांव नहर? तो सबसे बड़ी जो है नहर इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56। 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है लोबिया का उत्पत्ति स्थान बताना है, भारत, चीन, मेक्सिको, अफ्रीका? तो लोबिया का जो उत्पत्ति स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका। डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। मरुवरदान किस्म किसकी है? ग्वार की, मूंग की, मोठ की, बैर की? तो मरुवरदान ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, तो ये हो जाएगी मोठ जो होती है, दाल होती है, उसकी वेराइटी है ये मरुवरदान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। बंगाल ग्राम किसका नाम है? मोठ का, मूंग का, ग्वार का, चना का? तो बंगाल ग्राम के नाम से किसे जानते हैं? चना को जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे दोस्तों। विल्ट रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? ग्वार का, धान का, मक्का का या चना का? तो विल्ट रोग जो लगता है ये लगेगा चना के अंदर, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है इसको विल्ट रोग, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। सोयाबीन का प्रमुख बीमारी कौन सी है? चारकोल रोट, झुलसा, पाउडरी मिल्ड्यू या उपरोक्त सभी? तो सोयाबीन का जो प्रमुख बीमारी हो जाएगी वो हो जाएगी चारकोल रोट, ठीक है। ये इसकी प्रमुख डिजीज है सोयाबीन की, चारकोल रोट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61 पर। 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। अफ्लाटॉक्सिन किस फसल से संबंधित है? ग्वार, मूंगफली, मक्का या ज्वार? तो 61 का आप लोग बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो अफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का फंगस होता है, जो कि मूंगफली के जो बीज होते हैं उसके ऊपर फंगस लग जाता है, जिसके कारण तीखापन आता है, ठीक है। तो ये होता है, ये मूंगफली होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। मूंगफली का प्रमुख रोग कौन सा है? जड़ गलन, विल्ट, झुलसा, पाउडरी मिल्ड्यू? तो मूंगफली का जो प्रमुख रोग पूछा है, तो जड़ गलन जो होता है सबसे प्रमुख रोग, इसका भयंकर रोग है, काली जड़ें पड़ जाती हैं, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जड़ गलन यहाँ पर संबंधित है मूंगफली का प्रमुख रोग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रूसीफेरी कुल के पौधों में तीव्र गंध का कारण क्या है? गंध का कारण पूछ रहा है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुके हैं, ध्यान से पढ़िए, आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है सिनीग्रीन, दूसरा है ग्लूकोसिनेट के कारण, तीसरा आइसोसाइनेट के कारण या उपरोक्त सभी? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, सिनीग्रीन के कारण जो होता है क्रूसीफेरी कुल के अंदर तीव्र गंध आती है, ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन सिनीग्रीन। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे दोस्तों। भारतीय सरसों है ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका रेपा, ब्रेसिका जूसिया या कोई नहीं? तो भारतीय सरसों का वैज्ञानिक नाम इनमें से बताना है कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रेसिका जूसिया जो है ये भारतीय सरसों है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। गिरिराज किस्म किसकी है? मक्का की है, सरसों की है, सोयाबीन की है या मूंगफली की है? तो गिरिराज जो वेराइटी है ये दोस्तों हो जाएगी सरसों की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। ओरोवेंकी
किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? ठीक है, तो परजीवी खरपतवार है तो ओरोमेंकी बताना किसका प्रमुख खरपतवार है, मूंग का, मूंगफली, सरसों या बाजरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरसों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। रूखड़ी जिसको स्ट्राइगा के नाम से जानते हैं, ये खरपतवार है ग्वार का है, बाजरा का है, सोयाबीन का या सरसों का? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, बाजरे का। ठीक है, रूखड़ी स्ट्राइगा जो है ये खरपतवार बाजरे का है, परजीवी खरपतवार है ये भी। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। तिल में तेल प्रतिशत पाया जाता है, तिल के अंदर तेल की प्रतिशत बताना है कितना पाया जाता है। तिल के अंदर हाईएस्ट तेल की मात्रा पाई जाती है तो इसमें से बताना 20%, 35, 48, 50 या 62। तो इसमें 48 लेके 50% तक तेल के अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मृदा की प्राकृतिक अवस्था का, मृदा के वर्गीकरण का, मृदा की उत्पत्ति का या उपरोक्त सभी का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर मृदा की प्राकृतिक अवस्था का भी अध्ययन करते हैं, मृदा का वर्गीकरण का भी अध्ययन करते हैं और मृदा की उत्पत्ति का भी अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5%, 45%, 25% या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5% मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71। 71 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। निम्न में से मृदा निर्माण का सक्रिय कारक कौन सा है, एक्टिव फैक्टर बताना है इसमें से मृदा निर्माण के लिए। पैतृक पदार्थ है, उच्चावत है या मृदा आयु है, जल आयु है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, जलवायु। जलवायु जो है ये मृदा निर्माण का सक्रिय कारक माना जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। मृदा की वायु क्षरण की अवस्था है परत क्षरण, रील क्षरण, सतह स्पर्ण, संपर्ण या अवनालिका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सतह स्पर्ण। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73। मृदा की कौन सी अवस्था द्वारा सर्वाधिक वायु क्षरण होता है, निलंबन के द्वारा, सतह स्पर्ण के द्वारा, उच्छलन के द्वारा या परत क्षरण के द्वारा? तो मृदा की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें सर्वाधिक वायु क्षरण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, उच्छलन के द्वारा सबसे ज़्यादा वायु क्षरण होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। मृदा की सबसे छोटी कणों का वायु क्षरण किस अवस्था द्वारा होता है? ये सब दोस्तों सॉइल साइंस के क्वेश्चन हैं जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। सतह संपर्ण, उच्छलन, निलंबन या बौछार द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 74 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि निलंबन के द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75। 75 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। कृषि की दृष्टि से सबसे विनाशकारी जल क्षरण की अवस्था कौन सी है, परत क्षरण, बौछार क्षरण, रील क्षरण या अवनालिका? तो पृथ्वी की दृष्टि से, सॉरी दोस्तों, कृषि की दृष्टि से सबसे विनाशकारी जल क्षरण की जो अवस्था है वो हो जाएगी यहाँ पर परत क्षरण की, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है, ए संस्तर, बी संस्तर, ओ संस्तर या सी संस्तर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए संस्तर जो होता है ये मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 77। कार्बनिक संस्तर उपस्थित रहता है कृषिगत मृदा, अकृषिगत मृदा या वनों की मृदा या बी और सी दोनों? तो ओ जो होरिजन है जिसको कार्बनिक संस्तर कहते हैं उसमें क्या ऐसा होता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर यानी कि अकृषिगत मृदा होती है और वनों की मृदा होती है। ठीक है, बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, अकृषिगत मृदा और वनों की मृदा, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। 78 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्तर अधोमृदा संस्तर कहलाता है,
ओ संस्तर, बी संस्तर, ए संस्तर या सी संस्तर। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऐसा संस्तर है जो अधोमृदा संस्तर कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी संस्तर। सोलम क्या है, 79 नंबर क्वेश्चन, सोलम क्या है या किसे कहते हैं, चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79 का ऑप्शन चारों स्क्रीन पर आ चुके हैं। ओ संस्तर को सोलम कहते हैं या ए संस्तर को सोलम कहते हैं या ए और बी संस्तर को सोलम कहते हैं या ए प्लस बी प्लस सी संस्तर को सोलम कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं ए प्लस बी संस्तर को सोलम कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह जल जो मृदा में आर्द्रता ग्राही एवं क्षेत्र क्षमता के मध्य उपलब्ध रहता है उसे क्या कहते हैं, आर्द्रता ग्राही जल कहा जाता है या गुरुत्वीय जल कहा जाता है या प्राप्य जल कहते हैं या केशीय जल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऐसे जल को केशीय जल के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, मृदा में बालू सिल्ट तथा मृतिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं, मृदा संरचना कहते हैं, मृदा कणाकार कहते हैं, मृदा घनत्व कहते हैं या उपरोक्त सभी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, मृदा कणाकार कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, निम्न में से मूल चट्टान का उदाहरण है, परतदार चट्टान, कायंत्रित चट्टान, आग्नेय चट्टान या मार्बल। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, आग्नेय चट्टाने, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 दोस्तों, 83 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बालू पत्थर, ग्रेनाइट, जिप्सम या मार्बल। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र कौन सा है। कल के वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन करवाए थे 100 क्वेश्चन, उसमें भी ये क्वेश्चन था, बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र कौन सा था, जिप्सम ब्लॉक, न्यूट्रॉन नमी मीटर या टेंसियोमीटर या उपरोक्त सभी। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, टेंसियोमीटर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85, जल की धारा प्रवाह करने की विधि बताना है इसमें से, ठीक है, जल की धारा प्रवाह करने की विधि कौन सी होती है, पार्शन फ्लूम होता है या ओफाइसेस, वियर या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ठीक है। जल धारण, जल की जो धारा प्रवाह होती है इन सभी यंत्रों के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, वियर के द्वारा, ओफाइसेस के द्वारा या पार्शन फ्लूम के द्वारा, तीनों के द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 दोस्तों, 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसल की उपज उसके काम आने वाले वाष्पोत्सर्जन की मांग का अनुपात को क्या कहते हैं, फसल की जल उपयोग दक्षता कहते हैं, खेत की जल उपयोग दक्षता कहते हैं या दोनों कहते हैं या दोनों नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, फसल की जल उपयोग दक्षता कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, निम्न में से मृतिका, मृतिका यानी कि कले जो है, कणों का आकार कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि 0.002 mm से कम होता है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 0.002 mm से कम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, पीएच मान 7 से अधिक होने पर कौन सा पोषक तत्व अधिक उपलब्ध होते हैं। अगर पीएच मान 7 से अधिक धीरे धीरे बढ़ता जाए तो कौन से पोषक तत्व की अधिकता हो जाएगी या कौन से पोषक तत्व उपलब्ध होने लगते हैं धीरे धीरे, एफ ई एम एन, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम जेड, जेड एन या कैल्शियम एम ओ, मोलिब्डेनम, इन चारों में से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, कैल्शियम और मोलिब्डेनम की अधिकता होने लगती है जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाता है 7 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, खेत में क्षेत्र क्षमता पर पीएफ मान होता है, फील्ड कैपेसिटी बताना है कितना होता है क्षेत्र क्षमता, ठीक है, तो पीएफ का मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 2.53, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है नवीनतम विकसित मृदा कण
सॉयल ऑर्डर है जो नवीनतम पूछा है यहाँ पर, ठीक है, नवीनतम विकसित मृदा गण पूछा है। सॉयल ऑर्डर कौन सा है, वर्टिसोल, ऑक्सीसोल, एंटीसोल या रिडोसोल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, एंटीसोल, ये नवीनतम मृदा गण है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 91, कौन सी मृदाओं की विद्युत चालकता अधिक होती है, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, लवणीय मृदा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92, कौन सी मृदा का पीएच मान सर्वाधिक होता है, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सी मृदा का पीएच मान सर्वाधिक होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, क्षारीय मृदा का। क्वेश्चन नंबर 93, धान वाली फसलों के लिए एनपीके का अनुपात कितना रखते हैं, ठीक है, तो अनाज वाली, खाद्यान्न वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनमें एनपीके का अनुपात बताना है कितना रखते हैं, 1:2:1, 2:1:1, 4:2:1 या 7:4:1? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4:2:1, सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94, दलहनी फसलों हेतु एनपीके का अनुपात, यहाँ दलहनी, यहाँ पूछा था खाद्यान्न वाली, यहाँ पे पूछ लिया दलहनी, तो दलहनी का भी आपको याद होना चाहिए एनपीके का अनुपात। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुके हैं, 1:2:1, 2:1:1, 4:2:1 या 7:4:1? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1:2:1 जो रखा जाता है, ये दलहनी फसलों के लिए एनपीके का अनुपात रखते हैं और धान वाली फसलों के लिए रखते हैं एनपीके का अनुपात 4:2:1, ठीक है, याद रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, कौन से पोषक तत्व को पौधे धनायन और ऋणायन दोनों रूप में ग्रहण करते हैं, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन को धनायन और ऋणायन दोनों के रूप में ग्रहण करते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96, ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है, एजोक्टोवेक्टर, एजोरोस्फेरिलम, एजोला या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एजोरोस्फेरिलम, ठीक है, बी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97, यशस्वी उर्वरक में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, सिंगल सुपरफास्फेट के अंदर बताना है, कैल्शियम की परसेंटेज कितनी पाई जाती है, 12%, 19%, 16% या 21.4%? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 19% पाई जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98, फूल व फल से संबंधित हार्मोन कौन सा है, NAA, IBA, IAA या A और C दोनों? तो फूल व फल से संबंधित जो हार्मोन है वो हो जाएगा NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसका पूरा नाम होता है, ये फूल और फल से संबंधित हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की खतरनाक बीमारी कौन सी है, स्मट है, लाल सड़न, स्मट या ब्लाइट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्लाइट तो होगा नहीं, ये कट जाएगा, रस्ट भी नहीं होता है, अब स्मट तो होगा नहीं, यहाँ पर ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लाल सड़न, ठीक है, ये गन्ने का खतरनाक बीमारी होती है, रेड राट के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जब नर और मादा फूल भिन्न भिन्न पौधों पर आते हैं तो क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी, एकलिंगी, उभयलिंगी या उपरोक्त सभी? तो जब नर और मादा फूल भिन्न भिन्न पौधों पर आते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, एकलिंगी कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हुई, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, कल फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे, 100 क्वेश्चनों को लेकर आएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई, सभी लोगों को धन्यवाद।